بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا جلالي وجهك لجلالي وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله كنتم صادقين تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر مولا کلمے اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا حانی کو مالک یدبر الامر علا کل شیئن قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاہ انگن لا تعداد میں شمار درود و سلام آقا دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکات انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ مالک العلام دی مقدس معلہ
आला ते अरफा किताब दा एक मुकाम में रब्बे अर्ज़ो समा कलो दुआ है अल्लाह मैं गुनागार नु दा मफहूम बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। रब्बे अर्ज़ो समा सुनन सुनान तो बाद मेरे समेत जितने दोस्तों अहबाब मोहब्बत अकीदत मवद्दत चाहत प्यार उल्फत उनस नाल तशरीफ फरमा अल्लाह सबनु अमल दी तौफीक अता फरमा दे। मेरे तो कबल तो साहबाब मुकर्रे शरीफ वेया हजरत मौलाना हारून यासर साहब दा खिताब समाप्त फरमा रहे और उस तो कबल भी तो साहबाब खिताब सुन चुके हो। दुआ है अल्लाह जो सुनिए सुनाइए अल्लाह अमल दी तौफीक दे दे। अज दा ए प्रोग्राम जो शाने कुरान और अजमत कुरान मनकबत कुरान दे हवाले नाल इनकाद पजीर है हजरत मौलाना शब्बीर साकी साहब उन्होंने इत तर्जमे की क्लास का इजरा किया और बहुत सारे साथियों ने किताबुल्ला का तर्जमा निसफ के करीब पढ़िया और ये बहुत बड़ी बात है इस गैर गुजरे दौर के अंदर और जिस दौर के अंदर शर और फितना आम है यबी उदीन हूँ बिया रजिम मिन दुनिया ये तो वह दौर है जिंदे ची गुजर रहे हैं। लोग थोड़े जे पैसे तो दुनिया के समान की खातर दीन वेचते नज़र आते हैं ईमान वेचते नज़र आते हैं जमीर वेचते नज़र आते हैं और यहो जे बेजमीरी दौर के अंदर अगर अल्लाह की किताब नाल टच होने तो बाद किसी का जमीर रोशन हो जाए तो बड़ा ही वो किस्मत वाला इंसान है। हाँ ये बात जरूरी है कि असी लोग इतना गौर नहीं करते। हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी के अंदर बच्चा कोई भी पैदा हो जाए जबिली और फितरी तौर पर बच्चा दीन इस्लाम से पैदा होता है अगर बच्चे के अंदर बिगाड़ पैदा होता है तो उसकी गलती साड़ी होती है और बच्चा बेरा रवि का शिकार होंगे तो गुनाह साडा होंगे कि बच्चा गाला माँ के पेट चू सिक के आंदा है उन्हें इन गाला दी गर्दाना याद कौन करांदा क्योंकि घर तुम रिपीट करते हो तो बच्चों ने भी आदि घर का माहौल ही ऐसा है। ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معلود يولد على فطرتي فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه। सरकार मदीना ने बच्चा दीन फितरत ते पैदा होंदा है ईसाइयों के घर पैदा होया ईसाइयों का माहौल बनया तो ईसाई बन गया यहूदियों घर पैदा होया वह माहौल मिलया यहूदी बन गया बेदीना के घर पैदा होया तो बेदीन बन गया ये तो सारा माहौल का असर है वरना बच्चा तो कोरा कागज उधर तो जो मर्जी तहरीर करो यानी जो भी रिटर्न करोगे तहरीर तो हो जाएगा लेकिन तुसी सोचना है कि मैं अपने बच्चे दे खाली पेपर जो है ना उधर तो की लिखना चाहना की तहरीर करना चाहते हो अगर ते अगर तुसी कोई अच्छी तहरीर कर सके बच्चे नु हाथ से कुरान पढ़ा सके बच्चे नु कुरान दे तर्जमे तो रोशनास करवा सके और बच्चे नु दीन इस्लाम समझा सके तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस ऐसे ही मुस्लिम दी। मैं अपनी बात शुरू करा जरा तवज्जो करना व अन नबी हो रही रहता अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजा मातल इंसान इनकतान हु अमलुहु। सरकार ने जब बंदा मर जाए ते फिर अमला का इनकिता हो जाता है अमल खत्म हो जाते हैं तीन ही अमल मरण तो बाद फैरा देंदे ने सदका जारी है नफा बख्श इलम है वाला दिन साले नेक औलाद छड़ के गए जड़ी बाद च तुहाडे लिए साले सवाब बन सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाला दिन साले यदउ लहू इबने माजा च लिखिया बच्चे ने दुआ की उस बंदे का दर्जा बुलंद होया है आंदा रब्बा सोने इतने तो मैं नेकी भी नहीं की मेरा दर्जा किवें बुलंद होया है अल्लाह का जरा पिछे हाफ से कुरान छड़ के आया सैन जिन्हों कुरान की तफसीर पढ़ाई तर्जमा पढ़ाया नमाजी बनाया है उन्हें दुनिया ते तेरे लिए मगफरत की दुआ की है असी इतने तेरा दर्जा बुलंद फरमा दे
ਤੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਚੱਜਦਾ ਸਦਕਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਛੱਡ ਜਿਓ ਵੀ ਕਬਰ ਜੇ ਕੋਈ ਠੰਡ ਠੁੰਡ ਅੱਪੜ ਪਵੇ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਇੰਜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਦਕਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਛੱਡ ਜਿਓ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੱਜ ਦਾ ਸਦਕਾ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਹਿ ਖਾਈ ਕਰਨੇ ਮਤਲਬ ਚੱਜ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁਲੀਆਂ ਮਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਦਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਉਹ ਸਿਹਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੈਅ ਮਤਲਬ ਸਦਕਾ ਕਰਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਨਬੀ ਬਾ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਵਾਬ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾਓ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਦਿਸਦਾ ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਿਹਾਬਾ ਸਦਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਜੋ ਜੋ ਬਣਾ ਜਾਣੋ ਜਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚੱਜ ਦਾ ਸਦਕਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪ ਫੁਲੀਆਂ ਮਹਾਣੇ ਮਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਓ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲੀ ਗਲੀ ਵੀ ਅੱਪੜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਬਣਾਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਆਲਮ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਸਦਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ ਆ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸੀਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਲ ਬੈਂਗ ਹੈ ਐਜੂਕੇਟਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਲਾਈਡ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਉਹ 4,000-4,500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਘੱਟੋ ਬਾਹਰ ਵਾਹ ਬਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਰੋਨਾ 'ਚ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਲੈਣ ਲੱਗਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਈ ਵੀ ਲਿਆਓ ਬਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਨਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਾਇਓ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਿਊਟਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਅਲੱਗ ਟਿਊਟਰ ਦੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਮਹਾਤੜ ਮੌਲਵੀ ਫਰੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ 10,000 ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੀ ਮੌਲਵੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਲਮੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਜੋ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਫਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਫਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਨਗਰੋਂ ਕੋਈ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤਬੀਬੇ ਕਿਬਰੀਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾ ਸੱਲਮ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦੇ ਨੇ ਆ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਾ ਤਦੱਬਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਾ ਤਫੱਕੁਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਅੰਨਬੀ ਹੁਰੈਰਾਤਾ ਅਨ ਰਸੂਲੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਏਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਏ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਏਡੇ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਏ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਏਡੇ ਰਿਫਤ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਏ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਏਡੀ ਮਨਕਬਤ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਏ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਨੇ ਨੀ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਯੌਮਾ ਯਕੂਮੁ ਨਾਸੁ ਲਿਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਲਯਜਮਅੰਨਕੁਮ ਇਲਾ ਯੌਮਿਲ ਕਿਆਮਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਏ ਆ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਨੇ ਯੁਜੀਉ ਸਾਹਿਬਿਲ ਕੁਰਾਨ
नबी पाक ने फरमाया कुरान पढ़न वाला भी अल्लाह दे सामने खड़ा होएगा, कुरान दी तलावत करन वाला भी अल्लाह दे सामने खड़ा होएगा, बल्कि पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस सही मुस्लिम दे अंदर वा अन्नबी उमामता قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی پاک دا پروانہ سرکار دا دیوانہ نبی پاک فرماندے نے اقرا القران نبی پاک اندر قران نو پڑھیا کرو قران دی تلاوت करो कुरान नु समझया करो कुरान दा तर्जमा भी पढ़या करो इकरा उल कुरान जदों दे मोबाइल आए ने कुरान नाल उहदा राबता ही टुट टुट गया हुण कौन पढ़दा कुरान चलो भरी मसीह च दसो जिहड़ा रोज चलो पंज रुकू ही पढ़दा सवाल ही नहीं पैदा इन्हीं लोगों का कुरान नाल ताल्लुक ही खत्म हो गया। अब भले लोग असं वेंदे रहे जो असं निके निके हाँ सवेरे सारिया माइया कुरान पढ़ दियां सी जवान छोरियां भी कुरान पढ़ दियां मुंडे मसीते आते सारे कुरान पढ़ते ही जाते हूँ तो कुरान बारियां च पै रहे पढ़ते ही कोई नहीं ना घर च पढ़ते हूँ तो अद्धी अद्धी रात एक एक बज जाता दो दो फेसबुक तो नहीं जान छुट व्हाट्सएप तो नहीं जान छुट यूट्यूब तो ही नहीं जान छुटती फिर पै होंगे खरे कितने पै ने जिम्मे कि फीम खा के पै जिम्मे चरस पीती होंगी बेहोश हो के पेंदे सवेरे मुड़ उठते कदों ने इन्हों तो पहला साढ़े मुसलमाना तो पहला साई भी उठ पेंदे माशाल्लाह दस बजे तो पहला इनकी अख ही नहीं खुलनी ए माहौल हो गया नबी पाक कहते कुरान पढ़िया करो तो असा तो निके होंगे कि पढ़िया तो दुआ करा करो अल्लाह सानू बच्चों भी पढ़ाने की तौफीक दे बच्चियों भी पढ़ाने की तौफीक दे तो कई लोग अजे भी जहल होंगे ने हूँ साड़ी कौम में वाह वाह माशाल्लाह शऊर आ गया हूँ तो डोगरों से बड़े आलम हो गए किसी वेले को आलम लभदा सी तो लोग यहीं वेंदे सी भी डोगरों भी मौलवी होंगे ने तो मैं डोगरों नूं की होया डोगर मौलवी नहीं हो सकते तो वो साढ़े पिंड बाबा फौत हो गया उनकी बुढ़ी बड़ी नेक सी उन्हें आलवा बन जाना उदो ढगियां नाल आलवा आंदे सी तो वह जदों आता सी ना कुरान ही उन्हें जदों काम तो फारग होना बेचारी कुरान पढ़ती जदों उन्हें टाइम लगना उन्हें कुरान ही पढ़ना वह गोए जहा सरदार से उन्हें जदों आना उन्हें तू की तमाश बनाया जदों मैं आना उदों ही बात आसा और तेन काम ही कौन था ये नहीं ये भी नहीं सी पता भी यार ये अल्लाह का कुरान है उन्होंने आता ये तू की जदों आना उदों ही बात आसा लाई होंगी है तेन और कोई काम नहीं था ते दुआ करो अल्लाह पढ़न दी तौफीक अता फरमाए खैर इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया वे सरकारे मदीना ने दसिया वे अल्लाह दे नबिया ने नी इकरा उल कुरान फइन्नहु याती यौमल कियामा शफीअन लिअसहाबिही नबी पाक ने कुरान नु पढ़िया करो कुरान दियां तलावतां करिया करो मेरे कलाम नु समझ समझ के पढ़िया करो अल्लाह जी फायदा की होएगा अल्लाह तू मेरे कुरान नाल दोस्ती ला लवी मेरे कुरान नाल ताल्लुक कायम कर लवी अल्लाह दा कुरान नु मैं इन्नी थाटी दित्ती है जदों कल क्यामत वाला दिन होना है ए मेरी किताब कुरान तेरी सिफारिश कर दी होएगी आता दे सरकारे मदीना ने दसे आवे जड़ी मैं तिरमिज़ी दी हदीस पढ़ रहा सा सरकार आंदे ने यूजी उसाही बिल कुरान क्यामत वाले दिन कुरान भी आएगा रब्बे सायनात दे सामने भी सिफारिश पिया करदा होएगा आखेगा या रब्बी हल्ले ही
अल्लाह इस बंदे नू इज्जत अता कर दे, अल्लाह इस बंदे नू जो मर्तबा अता कर दे, अल्लाह इस बंदे नू शाना अता कर दे। रब्बे कायनात दे पैगंबर ने दसे आवे, आज सरकारे मदीना ने दसे आवे, जदों कुरान ने सिफारिश करनी है अल्लाह कहेगा फयुल बसुताजुल करामा, अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्ते हो इन्हे मेरे कुरान नाल मुहब्बत कीतियां ने, कुरान नू पढ़िया है इहदे सिर ते इज्जत दा ताज ही पहना दे। ते भाजी उन्हें इज्जत दा ताज रखिया होना, कौन है कुरान पढ़ दस सारे वेंद ने एडे सोहने ताज आला कौन है, उन्हें भाजी कुरान पढ़ दस ऐ ताज आला कौन है, ये तर्जमे की कुलास से बेंद दस, इन्हें कुरान नू समझ समझ के पढ़े। पर साढ़े में ता आना ना, साढ़े से समझने वाला चक्कर ही कोई जे असी कुरान नू समझ के पढ़िए, सादा नहीं सी पढ़ते, सादा हुण पढ़न पुढ़न लग पए ने, तर्जमे वाले पासे तो आंदे घट लोग ने, आ वेख लो इंग्लिश अगले समझा समझा के पढ़ते हैं, तो अल्लाह की कलाम क्यों एडी मजलूम है। आ निका जिहा बाद स्कूले करिए की अगले एक एक स्पैलिंग नाल दस दें, ए डबल पी एल ई एपल, मुड़े ए सेब अगे हांदन व्याह जहाँ होंगे, ई एल ई पी एच ए एन टी एलीफेंट, मुड़ो भी हांदन व्याह जहाँ होंगे, वो बाल सुते पे स्पैलिंग की जाते, यानी इन्हें समझा के इंग्लिश पढ़ी जाती। तो इंग्लिश जो तुम इन्नी समझ के पढ़ते हो तो अल्लाह का किताब कुरान क्यों नहीं पढ़ते, समझ क्या इन समझ की जरूरत नहीं, समझते कि इन समझ के पढ़िया जाए। अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो या बायो पढ़ते हो, वो समझन तो बगैर आती, अभी भी किसी दौर से पढ़ते रहे हैं, वो मसावतें ही सीधी नहीं होंगे, वैलेंसियां ही भूल जाती है, इधरों फार्मूले याद करो उधरों वो लगे जाते हैं, वो फार्मूले नहीं याद होंगे, मुंडे रट्टे लाते हैं, अलादा नमेरिकल कभी किए ने फिजिक्स के, एक नमेरिकल लिखन लगो पूरा दरवाजा फुल हो जाना, पर नमेरिकल नहीं मुकरन आ, तो मुंडे उंज पागल हो जाते हैं, अलादा वेखो ये पागल करने वाला इलम है। वलकद यस्सरनल कुरान, अलादा साडा कुरान पढ़ो एडा आसान है, निका जिहा बाल भी हिफ्ज़ करन लगे तो आपसे कुरान हो जाता है, तो फिर जो सा कुरान याद करता कि जाता नहीं, वो वैलेंसियां तो याद हो किसी ने है जिन्हें 3 साल पहला पढ़िया ने, कोई फार्मूला दस गंधक का की है हाइड्रोजन का की है पता ही नहीं लगता। अगर और करना इमामे कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना सरकार दा दीवाना हजरत अबू हुरैरा दे ने इस कुरान दे पढ़न वाले नु अल्लाह ने इन्ना शान दिता है, इन्ना मर्तबा दिता है, इन्नियां इज्जतां दित्तियां ने, इन्नियां मनकबतां दित्तियां ने, ते सरकारे मदीना दे नी कल्ला ने कुरान ने जदों सिफारिश की इस बंदे दे सिर ते इज्जत दा ताज रख छड्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया कुरान ने सिफारिश की ते फिर भी कुरान चुप नहीं होया, आंदा या रब्बी ज़िदहू, आंदा अल्लाह नू होर शाना दे, अल्लाह नू होर मर्तबे दे, अल्लाह नू होर मुकाम दे, अल्लाह दा ओ कुरान तू सिफारिश की मैं तेरी वजह ते सिर ते इज्जत दा ताज रखे आए, हुण तू की चाहना है, अल्लाह दा कुरान आंदा या अल्लाह मैनू दिने भी पढ़दा सी, राती भी पढ़दा सी, हनेरे भी पढ़दा सी, सवेरे भी पढ़दा सी, सफर च भी पढ़दा सी, हदर च भी पढ़दा सी, आंदा अल्लाह दे नबियां दे ने कुरान आंदा या रब्बी ज़िदहू। अच्छा जिन्होंने कुरान नाल यारी लाई ना उन्होंने बड़ा ही कुरान पढ़िया। मैं शायद इत्थे गल कितें शेयर कर रहा सा, मौलाना अब्दुल हई साहब सन वार बटन दे, वो साइकिल ते जांदे हुंदे सी, फिरोज बटुआ ते साइकिल ते जांदे हुंदे सी, शेखूपुरे ते साइकिल ते लाहौर, तो उन्हां नूं कोई बंदा पुछदा सी ना हजरत ये तुहाडे पिंड तो फिरोज बटुआ किन्ने किलोमीटर है, वो आंदे हुंदे सी एक सिपारे की मुसाफत ते, भी मैं एक सिपारा पढ़ना तो फिरोज बटुआ आ जांदा, तो जे उन्हां नूं किसी पुछना हजरत जी शेखूपुरा किन्ने किन्ना किलोमीटर है, वो आंदे हुंदे सी शेखूपुरा 3 या 4 सिपारियां की मुसाफत, इन्ने मैं सिपारे पढ़ना तो शेखूपुरा आ जाता। तो जे किसी आखना हजरत जी लाहौर
तो उन्हें दसना मैं छे सत सिपारे पढ़ना तो लाहौर आ जाता। हूँ इन्होंने पूछो लाहौर किन्ने किलोमीटर है? एक फिल्म मुकदी लाहौर आ जाता यकीन जानो। इन्होंने सरदारा ने पूछो जिन्होंने आप गड्डिया च रखा सारा समान ऐशो ऐशो इशरत का, यह आने भी एक फिल्म वेखी थी लाहौर आ जाता। लाहौर को दूर पिया इन्हों का लाहौर भी आ पिया। वह भी बंदे गुजरे जेडे कुरान पढ़ते उन्होंने को किलोमीटर पुछता जी अगो भाई सिपारे दस दे इन्ने किलोमीटर। दुआ करो अल्लाह सानू ये मुहब्बत कुरान नाल पढ़ा दे, साढ़े बच्चे भी कुरान पढ़न, साड़ियाँ बेटियां ते बच्चियां भी कुरान पढ़न। अल्लाह कुरान नाल इन्हें शगफ दे दे। अदरा तवज्जो करना इमामे कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसे आवे सरकारे मदीना ने दसे आवे अल्लाह दे कुरान ने मजीद सिफारिश कीतियां दा अल्लाह या रब्बी जिदहू अल्लाह नू होर मुकाम दे होर शान दे। अल्लाह फरमांदा मेरे फरिश्ते ओ फयुल बसु हल्लतुल करामा इस बंदे नू इंज करो के इज्जत दा ताज रखिया दे हुण इहनू जन्नत दी पोशाक भी पहना देवो। सरकारां ने कुरान ने सिफारिश कीती है उन्हां जन्नत दी पोशाक भी पहना छड्डी है। सरकारे मदीना ने कुरान फिर भी चुप नहीं हुंदा अल्लाह नू आंदा या अल्लाह इहनू होर इज्जत दे अल्लाह दा तू मेरा कलाम साईं तू इहदी सिफारिश कीती मैं दे सिर ते इज्जत दा ताज रखिया है तू इहदी सिफारिश कीती मैं जन्नत दी पोशाक पा छड्डी है हुण की आना है। अल्लाह फरमांदे ने कुरान दस हुण की आना है अल्लाह दा तू दस तू किवें राजी हुन्ना है ते कुरान बोल के आंदा रब्बा सोहणिया जदों तू मेरे इस बेली पढ़न वाले ते राजी हो जाएगा उदों मैं भी राजी हो जावांगा। ते सरकारे मदीना दे ने अल्लाह दा जे कुरान तू एवें ही राजी है ए जड़ा तेरे नाल मुहब्बत करदा रहा है पढ़दा रहा है मैं दे ते राजी हो गया। ते भाजी कुरान नू बेली बना लो ये बेली ने सिफारिशां करनियां इहनू अल्लाह ने जबान देनी है। भाजी इन्हां नू जबाना मिलदी है ना जिन्ने कमल हो इस वास्ते पढ़ो साढ़े हाँ तो कुरान दो तीन काम करता या मुर्दे बिल्टी कर देता या कि सच्चे झूठे की कसम लै लू ले दी बस ये दो तीन काम करता या को मातड़ मौलवी तवी तूत ले लेंद बस इन्हें तीन तून काम ही करता। इस बार साढ़े हाँ तो कुरान का काम ही कौन इस वास्ते रखे नाले हुण तो कसम भी शार्ट हो गई कसम तो भी कोई लोग इस्तेमाल करते क्योंकि लोगों दसम ही आप दी क्यों अजक लाहौर हजरत साहब की मैं तिमारदारी की थी। तो वह जो कभी मैं उन्होंने मिलता उन्होंने तो पता ही करना कोई गल सुनावे जी मैं मरण सही तो बैठा मैंने इनकी कसम दे मैं हजरत जी कि मदरसे में पढ़ आए जो सू मरण सही दसम ना सुनाया करो तेरी मेहरबानी मैं जो मैं आना उदो तेरी इो गल मरण सही तो बैठा मैंने इनकी सौ जे मैं भी कुछ सौ चुकन वाली शह कई बंदे मैं आपके पिंड जाव जिन्हें उसे साढ़े सर तीला चुकते अल्लाह मौलवी जी मैं सुकते तीले वर हो जावा मैं झूठ बोला तो सहदी सौ जी मैं भी तीला भी कुछ चुकन वाली कसम यही कसम होंगे लोगों दई इंज होंगे ने कसम चुकन लगे ना अजीब किस्म दसम सवेरे सवेरे मिस्त्री आ गए ना कभी कांडिया टेसियां लै दे दूजे तीजे बहिंदे पीर उस्ताद के अड्डे की कसम मैं भी पीर में ही सब आया अड्डा साडा है मैं को खुदा का खौफ करो मैं कसम चुको चुकन लगी। और सरकारे मदीना ने फरमाया मन हलफ गैरिल्लाह फकत अशरका जिन्हें गैरुल्लाह दे नाँ दी कसम चुकी उन्हें शिरक कीता है और कसम चुकनी रब दे नाँ दी चुके इस तो वड्डी कसम ही कोई नहीं। हाँ लोगों ने ना कामली रखे है या को आए मैं वाह वाह साल की गल मैं फैसलाबाद उत्थे बैठा मस्जिद बंदा आया आ गया मौलवी जी मैं हाँ जी ये कुरान चाहिए ने बारी च बहन जिन्हें मर्जी लै जा अच्छा वह बड़ा हैरान जहा हो मैं भाजी बारी च बहने जिन्हें मर्जी लै नहीं पढ़े पढ़ाए चाहिए मैं मरे असं रोज सफर करने इन्ने वाधू पढ़िया तेन कितों दे दिया मैं
ਅਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਭੋਰਾ ਗੁਚਾਰ ਵਰਗੇ ਆਪਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀਦੇ ਨੇ, ਏਡਾ ਵਾਧੂ ਆਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਕੋ ਢਿੱਡ ਭਰੀਂਦਾ ਜੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੀੜ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਜਾ ਗੁਤਵਾ ਤੂੰ ਘਰ ਉੱਥੇ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਾਨ ਚੁੱਕ ਲਾ ਸਾਰੇ, ਪਵਾਂ 15 ਲੈ ਜਾ, 20 ਲੈ ਜਾ, 25 ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਦਲ ਲਿਨਾਸ ਬਿਆਨ ਲਿਨਾਸ ਬਲਾਗੁਲ ਲਿਨਾਸ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਐਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਇਨਕਲਾਬ ਬਰਪਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਬੂਦੋਬਾਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੇ, ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੇ, ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੇ, ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੇ। ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਨਕਾਨ ਮਿਨ ਕਬਲ ਲਫੀ ਜ਼ਲਾਲਿਨ ਮੁਬੀਨ, ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਚੋਰ ਉਚੱਕੇ ਡਾਕੂ ਜ਼ਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬੀ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਫਸ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਬਣੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਖਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਂਝ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆ ਰੋਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ, ਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇ, ਕਈ ਵੇਲੀ ਤਕਾਫ ਤਕੂਫ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਤੋ ਤਕਾਫ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਕਾਫ ਮੁੱਕਦਾ ਆਉਂਦੇ, ਆ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਖਾ ਖਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀਆਂ, ਤੁਰ ਪਵੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਖੋਲੋ ਆ ਤੇ ਘੁਹਾਰ ਹੂਰ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੱਕਰੀ ਦਾ ਨਾ ਤਕਾਫ 'ਚ, ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਦਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ 5 ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, 3 ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਿਆਬੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਦੇ 5 ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਛੁੰਡਿਆਂ ਵਾੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਕੁਫਰ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ, ਤੁਫੈਲ ਦੋਸੀ ਨੇ ਕੁਫਰ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ। ਔਰ ਜਿੰਨ ਬੜੀ ਸਖਤ ਕਾਮ ਹੈ ਕੁਰਾਨਾਂ ਦਾ, ਕੁਲ ਊਹੀਆ ਇਲਈਆ ਅੰਨਹੁ ਇਸਤਮਾ ਨਫਰੁ ਮਿਨਲ ਜਿੰਨ ਫਕਾਲੁ ਇਨਾ ਸਮਿਨਾ ਕੁਰਾਨਨ ਅਜਬਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਤ ਸੁਣੀ, ਦੋ ਦੋ ਐਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ। ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ 3 ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲੀ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਭਾਅ ਜੀ ਕੋਈ ਇੰਝ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਬਦਲ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏ। ਤੋ ਖੈਰ, ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤਬੀਬੇ ਕਿਬਰੀਆ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾ ਸੱਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇ, ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇ, ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਾਨ ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਏ, ਕੁਰਾਨ ਬੜੀ ਇੱਫਤ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਏ, ਕੁਰਾਨ ਬੜੇ ਮੁਕਾਮ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਏ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੌਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਘਰ ਚ ਰਹਿਮਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਜ਼ੀ ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਅਦਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏ, ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਉਸੈਦ ਬਿਨ ਹੁਦੈਰ, ਇਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮੁਸਬ ਬਿਨ ਉਮੈਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੁਸਬ ਬਿਨ ਉਮੈਰ ਬੜੇ ਟਾਪ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਨ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੁਸਬ ਬਿਨ ਉਮੈਰ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਉਦੋਂ ਦੇ
कुरान दे दीवाने बन गए ने। और एहो ही सहाबी उसैद बिन हुदैर एक घर दे अंदर सूरत बकरा दियां तलावतां पे करदे ने, आ सूरत बकरा पे पढ़दे ने। और सूरत बकरा पढ़दियां पढ़दियां आसमान तो कुछ रोशनियां जमीन ते आउंदियां वेखियां ने, आसमान तो कुछ लाइटां जमीन ते उतरदियां वेखियां ने। आंदा जिवें जिवें लाइटां करीब आ रहियां ने मैं अपनियां अखां नाल वेखदा पिया सां, मेरा घोड़ा पिदकदा पिया है, मेरा बेटा कोल सुता है, मैनू टेंशन हो गई कि उहनू नुकसान ना पहुंचावे। मैं कुरान दी तलावत नू बंद कीता है ते जदों मैं कुरान पढ़ना बंद कीता ओ लाइटां आसमान दी तरफ दुबारा चढ़दियां वेखियां उठदियां वेखियां। आंदा जदों इह सारा वाकिया पेश आया मैं सवेरे सरकारे मदीना दी खिदमत च हाजिर हो गया। मैं आख्या अल्लाह दे नबी जी इंज राती मैं सूरत बकरा पे पढ़दा सा, इंज रोशनियां थल्ले आउंदियां वेखियां ने, मैनू बेटे दे नुकसान दा डर ना हुंदा। मैं कुरान बंद कीता रोशनियां आसमान ते चढ़दियां वेखियां ने ते सरकारे मदीना दे ने उसैद पढ़दा जा पढ़दा जा पढ़दा जा। आंदा नबी पाक जी रीजन ए होई सी अगर ए रीजन ना हुंदी ते मैं जरूर पढ़दा। नबी पाक ने उसैद ओते अल्लाह दी रहमत दे फरिश्ते सन जिहड़े तेरा कुरान सुनन लई जमीन ते रहमतां लै के उतर आए सन। रामदां तां हुण वी उतर सकदियां ने लेकिन असीं पढ़न वाले ते होई या उस तरह पढ़ीए जिवें उहनां ने पढ़े ते फिर रहमत हुण वी उतर सकदी है। कुरान बदलिया तां कोई नहीं, रहमान भी होए कुरान भी होए फरिश्ते भी हो ही ने, बस ये कह लो कि पढ़ने वाला इंसान हो। असी उस तरीके नहीं पढ़ते, असी कुरान का मकसद ही कोई और समझ लिया। असी आने कुरान इस मकसद में हूँ कई गल्लां ने, कई कुरान ने कहा मसलन या अय्युह अल्लज़ीन आमनू ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, तो कुरान का मतलब ऐसे भी भाई जिक्र कसीर करो। असा तर्जमा समझे भी हजार हजार मणके वाली तस्वीर रख के फेरो, यानी कुरान ने कुछ आख्या से कोई मतलब ही कढ लिया अपनी मर्जी, यानी वह इंज कह लो कि सोच अपनी मर्जी की तफसीर अपनी मर्जी। इमामे कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जरा तवज्जो करना कि इमामे कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान ऐसी किताब है जिथे कुरान की तलावत है, जिथे कुरान पढ़िया जाता है रब दी रहमतां दा नज़ूल हो जाता है। इस नीयत नाल कोई भी पढ़े हो जाता है। असी तो इस चक्कर च ही नहीं पैंदे, असी तो दो तीन मकसद ही रखे जिहड़े मैं दस्से ने। ये जिहड़ा तुसीं जिस काम लई पढ़ते जे ना बंदा कोई फौत ही हो जाता, किन्ने लोग ने। अच्छा अजय मैं परसों एक जनाजा पढ़ाया, मैनू बड़ा ये अजीब लगता है वो जनाजे जिवें जो पढ़ाने लगा ना जनाजा खड़ा ही होया इत्थे मरकज बनुल खत्ताब, हूँ उनकी माई फौत हुई उनकी मंजी सामने पई उनके उत्ते पीले रंग की लिखी एडी चादर। हूँ जो मैं चादर नूं गौर नाल वेख्या उनके उत्ते ऐतल कुर्सी भी लिखी सी चारे कुल भी लिखी। अच्छा हूँ चारे कुल कोई दो कुल तो आखिरी ऐत जी आँदी एंड तो वही होंगी वलायो दो हिफजो मोल जी, वो माई के पैरों से पाई। ये कुरान का अदब समझते हो, किन्ने लोग चादर पाते हैं कि ये चादर तो बगैर मुर्दा कब्रस्तान नहीं जाता। वो भाई चादर पाया कि बन जाता है, वो अमल चंगे होने चाहिए, वो चादर नाल भी रख दो फिर की हो जाएगा। मैं तो आना भी शराब की बोतल से रूह अफजा का लेबल लाने को फर्क पैंदा, शराब तो शराब या किसी बंदे का ना तुम जंती रख दो तो सारा खूह उन्होंने नाराज जंती जंती आखो जन्नत च वड़ जाएगा, भी जन्नत तो अमलों ही मिलनी है ना, ना तो नहीं मिलती। हुण तुसीं वेखो को पैरां दे उत्ते चादर पई उहनूं असीं गुस्ताखी नहीं समझदे। तुसीं कुरान नूं इस मकसद लई इस्तेमाल करदे हो कि बंदा मरे दे उत्ते चादरां पा दिओ। हुण तुसीं दस्सो मैं तां जींदा बैठा मरिया तां कोई नहीं ना, तुहाडे चों किहड़ा वड्डा कोई जुरत वाला है ले नूरानी कहदा तां बरका लिया के मेरे पैर 'ते रख, किसे नूं हिम्मत पैंदी है
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕਾ ਨਰਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜੇ ਮਰ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਐਦਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਸਵਾਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਰੀ ਫਰੀ ਵਾਲਾ ਦਸਰਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਸਵਾਬ ਮੁੜ ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਲਤ ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਪਿਓ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮਰਿਆ ਸੀ ਮੁੜ ਤੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਰੰਗਾਂ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਖੈਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛ ਖੈਰ ਖੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੌੜ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣਨੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਹੋਣ ਉਹਨੇ ਮੁੱਖ ਘੋੜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਘੱਲੀਏ ਅਗਲੀ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਉਹ ਛੋਰ ਨੇ ਆ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਇਹ ਘੋੜੀ ਫੜੋ ਅਤੇ ਐਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੌੜ ਹੋਈ ਨਾ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੇ ਆ ਘਬਰਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਘੋੜੀ ਚੰਗੀ ਦੇਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੁੱਟਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਆ ਘੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਏ ਸਿਰ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਭੱਜਦੀ ਮੌਲਵੀ ਹੋਰੀ ਲੈ ਗਿਆ ਘੋੜੀ ਹੁਣ ਛੋਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਮੁੜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਡੀ ਲੈਣ ਕਿਤੇ ਖਾਦ ਲੈਣ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਘੋੜੀ ਵੇਚੇ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਦਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਘੱਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੇਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਟ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅੱਬੇ ਦੀ ਰੂਹ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣੀ ਹੈ ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਗਵੇੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਛੋਰ ਦੇ ਚਾਰ ਕੋਨੇ ਆ ਯਾਰ ਅੱਜ ਘਰੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਣੇ ਮੌਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਾਵਤ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਮੁੜ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਮੌਲਵੀ ਜਾਈ ਮੇਰੇ ਘਰੀਂ ਦਾਵਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰ ਕੁ ਹੱਲ ਦੇ ਫਾਲੇ ਨਾਲ ਤੱਤੇ ਵਾਹਵਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਮੈਂ ਪਾਵਣਾ ਫਾਲੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਲਾਉਣੇ ਨਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਉਹ ਉਹ ਦਾਵਤ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਉਹ ਕੋਈ ਤੱਤੇ ਫਾਲੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲਾਵੇ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਲਾਵੇ ਕੋ ਉੱਥੇ ਲਾਵੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਚਰਸ ਪੀਤੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀ ਘੱਲੀ ਸੀ ਅੱਬੇ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਘੋੜੀ ਅੱਥਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡੱਬੇ ਰਨ ਟਕੋਰਾਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕਮਲਿਓ ਇਹ ਟਕੋਰਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੀ ਅੱਪੜੀ ਟਕੋਰਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਅੱਪੜਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੀ ਅੱਪੜ ਗਈ ਟਕੋਰਾਂ ਵੀ ਅੱਪੜਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਸਵਾਬ ਨਾ ਘੱਲਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਚੱਜ ਸਵਾਬ ਦਾ ਘੱਲੋ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਖੈਰ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤਬੀਬੇ ਕਿਬਰੀਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਸੱਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਉਹ ਲੋਗੋ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਬਰਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕੈਦ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਬਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਬੇਰਾਹ ਰਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਫਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਿਬਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੁਲੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਨਕਬਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਚੱਲ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਛੱਡ
अल्लाह दा साडे कुरान दा इजाज वेख, कुरान दा शान वेख, तू कुरान दी एक सूरत ही पढ़दा चला जावी, सारी जिंदगी एक सूरत दी तलावत करी, असी तैनू फिर भी जन्नत दा वारस बना देवांगे। तुसी आखोगे मौलवी जी दलील की है, अबू दाऊद दे अंदर सही बुखारी दे अंदर नबी पाक दा परवाना अल्लाह दे नबी दा दीवाना आंदा है के सरकारे मदीना ने फरमाया सूरत मिनल कुरान मागिया इल्ला सला सुना आया। सरकार ने कुरान दी एक सूरत है जिदिया ती ऐता ने ते जड़ा बंदा उनू रोजाना पढ़न वाला है खासा मत अंसा ही बिहा क्यामत वाले दिन कुरान उदी ते सूरत उदी तरफो झगड़ा करेगी अल्लाह नाल तकरार पी कर दी होएगी। इमाम कायनात ने फरमाया तेरे ते मेरे महबूब ने फरमाया सरकारे मदीना ने फरमाया इन्ना तकरार करेगी हत्ता अदहलत हुल जन्ना उन्नी देर तक अल्लाह नाल तकरार करेगी जिन्नी देर तक अपने पढ़न वाले नू जन्नत च नहीं ले जाएगी। वेखो यार कुरान किड्डी किताब अजमतां वाली है अल्लाह दा। चल यार पूरा कुरान तुसी की पढ़ना है, रोज़ सूरत ही पढ़ी रखी मुड़ भी तेरा बेड़ा पार हो जाए। वो सूरत केड़ी अच्छा तीह आयत वाली केड़ी है? तीह आयत वाली सूरत विरला विरला ही को दसेदा इन्हों कि कितने पुछो क्रिकेट के खिलाड़ियाँ खलूड़ियाँ के ना फटर फटर दस दे वो कंजरा कुंजरा के ना पुछो दसन दे गल ना पूछा करो भी ये सूरत कि ऐत वाली जहाँ पुछो अशरम बशरा केड़े ने दसन गए को अशरम बशरा को डोगर अशरम बशरा दसे तो क्या ही बात भी उन्होंने पता हो भी अशरम बशरा केड़े ने और साढ़े तो साहब ही कुरान की मैं गल कर रहा जहालत की बात ये जैनवन गल फैसलाबाद ना मदीना टाउन बाबर चौक उत्थे बाबा सी वो कई बार मैं भी सवेरे सवेरे जलसे तो आना वो बाबा सवेरे सवेरे उठते हीर पढ़ता उची उची तरजा नाल वो मुंडा एक बड़ा शरारती सी तो उन्हें आख्या बाबा आ जी तू किताब पढ़ना सवेरे ये तेरे को दो नंबर साढ़े घर असली हीर वाली किताब पई है असली उन्हें आख्या भी उन्होंने घरी खरे असली है उन्हें आपकी बुढ़ी ने कल्या भी जा आप जी असली किताब तुहाड़ी मेहरबानी दे दो मैं सवेरे सवेरे पढ़नी होंगी उन्हें कितने शुगल किया तो उनकी बुढ़ी उन्होंने घरी लगी गई। खैर वो मुंडे ने अगो आख्या माई जान दे तेरी मेहरबानी मैं तो बाबे भी तू कि कसब करना सवेरे उठ के कित कुरान कुरून पढ़िया कर भी कुरान की तलामत करेगा तू सवेरे वो हीर लै दे बह जाना भी सुबह सुबह जान तो बाद नमाज तो बाद तू तलावत तलूवत कर। अच्छा ये वो माई अगो पता क्या ले ते हीर भी तो कुरान की भैन ही है जिन्ना लोगों का इस्लाम ये हो मुसलमान ही होवन यानी ये मैं फैसलाबाद रहा महल की गल यकीन जानो जो जिस बुढ़ी ने इन्ना को दीन का पता हो जी आखे ये इस्लाम ही हीर भी तो कुरान की भैन ही यानी कई इलाके ऐसे ने जिते जहालत की अजे भी इंतहा है। असी लोग आने असी खरे सारा दीन ही दसी बैठे हैं असी तो लोगों को बड़ा माशाला लैन दे लाई बैठे भाई अजे बड़ी जरूरत है तो मैं तुम्हें आख्या भाजी मौली साहब तर्जमा पढ़ाते हैं पढ़िया करो शौक नाल आया करो क्लास लिया करो तर्जमे की मेरे दोस्त हूँ तो उत्थे वारसपुर पिंड च बड़ी जहालत एक बार उन्हें जुम्मा पढ़ाया जुम्मे च बड़ा तत्ता हो गया उन्हें जिन्हें सी ना जड़े आ सारे उन्हें आख्या भी जरा सस्सी पुनू तो हीर रांझा तो ये वो सारे कंजर कुंजर ने फलान ठीक एक बुढ़ा बाबा कहना अल्लाह के बलिया के खिलाफ यही गल नहीं करी दी होंगी उन्हें आ तू मूँह संभाल के गल कर जुमे दे विच ही उन्हें आख्या कई लोगों के भी जेन है ना भी उन्हें आख्या भी ये जी गल नहीं करी दी उन्हें आ बाबा तेन पता हीर कौन सी तो रांझा कौन सी उन्हें रांझे का तो पता नहीं हीर पकंबर से होर कौन सी अंदाजा ला ये पिंड का नाम मैं दस सकना सत्तर गा बे रत्ती रत्ता ये उतों की मैं थोड़ा गल दस सकना भी ये भी तो मुसलमान है इन्हों की पता कुरान की होंगे
तो भाजी जो इनी हालत हो तो कुरान पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, कुरान की तलावत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो क्लास भाई लिया करो, एक बंदा इन्ने शौक न तर्जमा पढ़ा जरा तवज्जो करना। इमामे कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसे आवे आन अल्लाह दे कुरान नाल मुहब्बत करिए, अकीदत करिए, प्यार करिए। होया तैनू मैं दसना वा तियां ऐतां वाली केड़ी कुरान दी सूरत है सरकार आंदे ने तैनू जन्नत च लै जाएगी। सरकार मदीना दे ने सूरत मिनल कुरान ने कुरान तकरार करेगा, झगड़ा करेगा, हत्ता अदहलत हुल जन्ना। नबी पाक ने सूरत जन्नत च लै जाएगी। ते सरकारे मदीना ने केड़ी सूरत है, तबारक अल्लज़ी بيده الملك وهو على كل شيء قدير। नबी पाक ने जड़ा रोजाना सूरत मुल्क दी तलावत करदा है, उन्हें सूरत नाल प्यार ही पा लिया है, कल सूरत ही उन्हें जन्नत च ले जाए। इन्ना को तो बंदा आसरा कर सकता है कि नहीं? एडा भी तो बंदा ने खट्टू नहीं ना होंदा कि बंदा कुरान ना लेना भी शकफ ना हो। इस तो भी अगले पासे दी गल दस, लोगों ने किनिया कमाइया कीतियां, लखां रुपये कमाए और दुनिया पिछे लोग पागल हो गए, पैसे पिछे दीवाने हो गए लोग, कुरान याद ही नहीं। तो तुसी दसो, मैं ये कहांगा कि जिस बंदे नूं अल्लाह कुरान की दौलत दे देंदा उहदे कोल पूरे जहान की दौलत, उहदे वर्गा तो दौलतमंद बंदा ही कोई नहीं। और जिंदे कोल कुरान है भाजी वह गरीब नहीं है, वह दुनिया का अमीर इंसान। जिन्होंने अल्लाह ने कुरान दी समझा दे दी है ना, कुरान का तर्जमा जो इन्ना पता लग गया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, उन्होंने जो तो पता लग गया कि इसका तर्जमा की है, वह एक एक कैद। अच्छा एक कैद कितनी होती है? एक कैद भी बंदा रोज सीखे तो साल च कितनी आयतें सीख लिया? 365 है। तो जिन्हों भाजी 365 है तो आगे तो आलम बन गया भाई, 365 है तो तर्जमा आंदा, लफ्जी तर्जमा पढ़िया, एक एक लफ्ज का तर्जमा जानता। और एक कुरान एडा औखा नहीं, जिहड़ा पहला सिपारा लफ्जी तौर पर पढ़ लेंदा ना, एक एक लफ्ज का तर्जमा, उन्होंने दूजा आप ही आवन लग पैंदा। बंदा थोड़ा जिहा अकल नाल पढ़े कुरान दे, तो बार बार उही लफ्ज रिपीट होंदे ना बार बार। अगर किसी ने एक सिपारा ध्यान नाल पढ़ लिया ना, अगले सिपारे तो सौखे हो जाते, अखीर तक दो तीन सिपारे जाते औखे आवन दे, लभी लफ्ज औखे आ गए, वरना पूरा कुरान ते आसान ही आसान है अगर कोई बंदा समझने की कोशिश करे। आ नबी पाक की हदीस जरा तवज्जो करना, मैं उन्होंने वेखी जाना होगा पिछे नहीं होंगी। इमामे कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इमामे कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना, अल्लाह दे नबी दा दीवाना। अदर गौर कर, अदा के एक दिन इंज भी होया, सरकारे मदीना दी खिदमत अकदस दे अंदर कान वाली बीबी आई है, और आउंदी आई सरकारे मदीना नूं आंदी आहा बुला का नफसी, आंदी सोनिया मैं तुहाडे नाल निकाह करना चाहनी आं। जदों ने इन्नी गल कीती है नबी पाक नूं इख्तियार दिता है, सरकारे मदीना ने एक नजर वेखे आए ते अल्लाह दे नबी ने निगाहां झुका लईआं ने, कोल नबी पाक दा दीवाना ते परवाना खलोता है, आंदा सोनिया जे तुहाडा निकाह दा प्रोग्राम नहीं ते दे नाल मेरा निकाह ही पढ़ देवो। ते सरकारे मदीना दे ने ओ निकाह दी तमन्ना ते हैस रखन वाले आ, फहल इंदा कमीन सही,
कोल भी कुछ है ही के कोई ना आंदा नबी पाक जी कोल ते कुछ भी नहीं आ चादर जड़ी बन्नी फिरना इस तो सिवा मेरे कोल है ही कुछ नहीं आंखों ते मैं अद्धी चादर नू दे सकना वा ते सरकारे मदीना मुहम्मद रसूलुल्ला मेरे नबी आंदे ने जा चला जा कर जा लोए दी अंगूठी लभ के लाया चलो को हक मार बनन जोगे ते होवांगे ए विचारा कर न से आवे कर भी कादा सी खाली कर पिया सी कुछ टाइम लगा ते वापिस आ गया आंदा अल्लाह दे नबी जी लोहे दी अंगूठी भी कोई नहीं लभी और नबी पाक ने खामोशी इख्तियार की थी। नबी पाक चुप हो गया इन्हें आखा भी लगता गल को नहीं बनू ये भी बेचारा नीवी जी सड़ के टुर गया भी नबी पाक सरकार चुप कर गए तो लगता है भी गल औखी बने अजे वाहवा को पंध टुरै है तो नबी पाक ने आओ भाई पिछा ही एक गल और सुन ये फिर पिछा आ गया आना सुने और की कर ले नबी पाक कहते एक और गल दस आता जी वो खेड़ी नबी पाक ने सवाल किया तेरा गौर करना इमामे कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवानिया एक होर गल दसां दा जी सुनिया सरकार आंदे ने माजा मा अका मिनल कुरआन नबी पाक आंदे ने कुरान याद ही के कोई ना आंदा नबी पाक जी जे कुरान दी गल करदे हो सूरतुल कज़ा व कज़ा व कज़ा आवी कुरान दी सूरत याद है आवी याद है नबी पाक आंदे ने ओ जे तेनू कुरान दीआं सूरतां याद ने फिर ते बड़ा दौलत वाला है कि होया दुनिया दा माल नहीं कुरान ते तेरे कोल है दुनिया दी दौलत नहीं कुरान दी दौलत तेरे कोल मौजूद है बैदा तेरी गल बन जाए उन्हें कोल कुछ भी नहीं सी की सी ते कुरान वाले दा व्याह हो गया तुसीं भी कुरान दे नेड़े लगो छेती हो जाएगा ये दुआवां ही कराते रहते हैं मालव जी दुआ करो मेरा व्याह छेती हो जाए हड़ जुमे बड़िया चिट्टा आदि ने व्याह वो मैं कई आना मैं पुत्र आपके प्योर ही करा भी तो अल्लाह उन्होंने छेती तफीक दे मैं आपके लिए दुआ ना कराया करो आपके अब्बे लिए कराया करो जेडे तो बहा बहा के थोड़ा जूस कड़ते रहते भी खरे इन्हें जो कडू की भी 16 साल 17 18 साल बाल विह दो हूँ तो मैं मेरे बेली कितने गुस्सा ना कर ला साडी बरादरी तो भाई छे कि मनता ना ही बंदा भी हिंदा सी कभी यकीन जानो हूँ कि छेती व्याहन लग पे ने मैं तो जो स्कूले पढ़ता हाँ दसवीं मैं आपके पिंड वेहदा हाँ जिंदी भी माशाला सरदार की जान चढ़ती सी मैं 48 साल कोई 45 साल हूँ को फर्क पै गया तो मैं भी जोड़ा 48 साल उनका विह करो जो है कि इनू रह नहीं दौ भी इंता इतने जाकर तुम विह करो जे उनका विह कर कोई फायदा वो तो उंज बेचारा एक्सपायर हो गया एक्सपायर बंदे का विह करता ये तो अगले घर से भी ज्यादती है ना जी इमामे कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह इमामे कायनात मुहम्मद नाले हाल इंजे ही है वेखो ना भी साढ़े मुंडिया कि कुरान आता एक तुम मैं गल दसा एक कुरान पढ़ना ए गौर करो एक कुरान की तलावत एक दरूद की कसरत यह दो चीज़ा ने ना जड़िया एक बंदा कुरान ही पढ़ता रहा उनके दिल च कोई भी नेक खैश हो कोई भी वो सिर्फ कुरान ही पढ़ता है या दरूद ही पढ़ी जाता है और मेरे महबूब ने आख्या जड़ा दो काम करता है ना उनके दिल च जिनिया भी हस उनिया अपनी दुआवां ने या हसरतां ने अल्लाह बिन मंगिया ही दे देंदा है ते रब्बा दा तो कुरान पढ़ता जा जेड़े जेड़े तेरे काम ने आपे ही हो जाने ते तुसी कुरान दे नेड़े लगो तो सही इसे मुंडिया नूं पुछो किसी ने अजी सपारे इत्थे कई अजे वड्डे वड्डे नूं पढ़े ही कोने सादा कुरान नहीं पढ़े तुहाडा तां माशा अल्लाह तरजमा पे चलदा तरजमे ये तो सादा वाले को नहीं लभदे कई बार मैं गल करदा हुंदा साडियां जिहड़ियां बुढ़ियां ने जांदियां ने शादियां शुदियां हुण ते छोरी वेखण जांदियां ने ये जा काम नहीं वेंदियां भी छोरी नमाज पढ़ दी है छोरी ने कुरान पढ़िया है कि नहीं बस
जिवें बुढ़ी ये वेखते आ जाण ना ते इन्हां नूं पुछो मासी सुना फिर रिश्ता वेख्या जे हुण मां शाला पुत्र वेख मैं फिर मां शाला छोरी उच्ची लम्मी चिट्टी सफेद आदत दसण दी मैं मासी होर सुना उन्हें आई डी डी मोटी अख वेख्या भुख भी लैंदी मैं मासी होर सुना मां चल कोठी उन्हें नवी पाई हूँ मैं बस यही वेखती रही है कोठियां वेखती रही तो मोटिया अखा वेखती रही है तो मैं ये नहीं पूछा था भी छोरी को मदरसा पढ़ी को कुरान पढ़ी को नमाज पढ़ी भी नमाज पढ़ दू पुत्र तो पूछे ही कौन था तो मैं फिर तू उ पूछ की गई सै मैं ये सोहनिया दसाइया च लभ जा जड़िया तू वेखण जाइए भी कोई पूछे कुरान पढ़ी मैं आना जो बीजते आदियां ना तो कई सहरे बेचारे नेक होंगे ने तो पुछते ने पुत्र कुरान पढ़ी है आ चाचा पढ़ी है ओ चाचा कुरान लिया तरह पुत्र इतों सुना हाँ अरे चाचा ये नहीं आता जो सा पिंड पे मैं आंदा तो भाजी इस वास्ते अपन बच्चिया भी कुरान पढ़ाओ यह ना होगा अगले पास जाते आखन भी जो सा खूह पे ना कुरान आंदा अटारी पिया कुरान जो मैनू आंदा इस वास्ते भाजी बच्चिया कुरान पढ़ाओ तर्जमा पढ़ाओ मेरा मैसेज है हर इमामे कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया वे सरकारे मदीना ने दसिया वे आमिना दे लाल ने दसिया वे नबी पाक दी हदीस बुखारी दी अर्ज कर रहे हां वा इमामे कायनात ने अल्लाह दे बंदिया कुरान याद ही आंदा हां हां अल्लाह दे नबी दी कुरान याद नबी पाक आंदे ने बैदा तेरी गल बन जाएगी तेरे को कुरान की दौलत से मौजूद है नबी पाक दे कोल बैठे है इमामे कायनात ने जड़ा कुरान तेनू याद है एक कुरान अपनी बीवी नू याद करा देवी ए तेरा हक मार बन जाएगा नबी पाक ने जा ले जा ए तेरी बीवी है सरकार ने तीन मिनट लाए ते मैं ना ये वाद साबी एडी किस्मत वाला जिंदा व्याह सरकार ने किया किसी का प्यो करता किसी का दादा किड़ी किस्मत वाला जिंदा निकाह किने किया सरकारे मदीना और दो तिना मिनटा च हो गया साढ़ा तो तिना दिन च भी नहीं होंगे साढ़े जिन्हें जो अपने तरीके कार नबी पाक ने किया मिनट च हो गया तो किस वजह तो उन्हें को कुरान है हूँ इतने आखो छो राज कुरान है आलम है अनु अगली गल दसो कोई ये गवर्नमेंट की मुलाजमत कर द अच्छा दोवे घर ही पागल होए फिर कुरान तो दूरी के सबब कई जे मुंडे वाले दाते रेंदे ने कोई मा स्कूल टीचर लगी होवे कोई नर्सी लगी होवे कोई मुलाजम लगी होवे कुड़ी वाले भी अच्छे दाते रेंदे इन्हों का हिसाब वो ही भी किसी चोर नूं आखे ना भी तेरी माँ छड़क च लम्मी पई उन्हें एवें नहीं पई किसी दात ही पई ये दोवें घर दाते रेंदे ने वो आंदे ने साडा दा लग जे ये आंदे ने साडा लग जे इस चक्कर जो मुंडे भी बुढ़े हो जाते तो कुड़ियां भी बुढ़िया ही हो जाए इमामे कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह हदीस नबी पाक दी जरा आखिरी बात तवज्जो करना टाइम हो नहीं गया कड़ा हो गया उत्थे खलोता फिर सारे मसीते ही रहो दे इमामे कायनात हबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया वे सरकारे मदीना ने दसिया वे आखरी बात ते बात खत्म दरा तवज्जो कर लेना इमामे कायनात हबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना अल्लाह दे नबी दा दीवाना और मैं अर्ज कीता है कुरान नाल मुहब्बत करिए अल्लाह इज्जत दा ताज पहना देंदा है कुरान नाल मुहब्बत करिए अल्लाह जन्नत दी पोशाक पहना देंदा है कुरान नू पढ़िए मेरा रब राजी हो जांदा है कुरान दी तलावत करिए घर च रातां दा मीह पै जांदा है और मैं अर्ज कीता कुरान पढ़िए ते कुरान तो वड्डी कायनात च दौलत ही कोई नहीं और मैं अर्ज कीता कुरान दा इजाज़ ते मुकाम ते शान ते अजमत ते रिफत ते बुलंदी ते मनकबत देवे
पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्या वे ए नबी पाक दा परवाना ए मस्जिद कुबा दा इमाम सी। पहला नबी पाक पिछे नमाज पढ़दा सी ते फिर कुबा वालेयां नूं जाते पढ़ांदा सी। इहदा मतलब इहदे नफल हुंदे सी ते मगर लिया दे इहदा मतलब नफलां पिछे फर्ज हो जांदे ने कि नहीं, क्योंकि इह तां नबी पाक पिछे फर्ज पढ़ जांदा सी उत्थे दुबारा जमात करांदा सी ते इहदे नफल ते मगर लिया दे। ते फिर जो तरावियां आउंदियां तुसीं मगर वखरे वखरे कुछ झड़ीड़दे जे नफलां नाल च फर्ज हो जांदे ने अगली जी जमात होई खड़ी उन्हें नाल नाल ते फर्ज पढ़ लो तुसी मगर वखरे वखरे फिर क्यों झड़ीड़दे जे कि नहीं होंदे अगले नाल जे आ सहाबी दे हो जांदे तुहाडे नहीं होंदे। इह तरावियां होंदियां भी उन्हें मगर वखरे ही माशाल्लाह माम खड़े होंदे कल्ले कल्ले ते भाई नफलां पिछे फर्ज हो जांदे ने जे सहाबी पिछे सहाबा दे होंदे सी तुहाडे भी हो जांदे ने ना। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया वे सरकारे मदीना ने दसिया वे आ एक चिट भी आई है भी गुसल दा तरीका की है ते इमाम कायनात मुहम्मद रहमा ऐसा भी हदीस है। सही बात है कि जो बंदा उठे ना तो सुन्नत आँदी कि बर्तन नूं हाथ लाने तो पहला हाथ धोने चाहिए कि नहीं पाने फिर मैं बंदे दे हाथ नूं नहीं पता उन्हें रात कित्थे गुजारी। अगर कोई बंदा नजस हालत दे अंदर है तो पहले उन्हें अपनी पलीत जगह नापाक जगह नूं धोना चाहिए तो फिर वजू करे। दो रवायतां ने अमैशा दी रवायत दे अंदर है कि वजू करे जिहड़ा नमाज नाल कीता जांदा नमाज वास्ते जिहड़ा वजू कीता जांदा उस वजू दे अंदर मसा भी है। अब्दुल्ला बिन अब्बास दी रवायत दे अंदर मसे दा जिक्र नहीं। तो खैर हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह अपनी किताब तलखीसुल हबीर उदे अंदर भी तरीका एहो ही रवायत मौजूद है कि यानी पहला नापाक जगह धोना फिर वजू करना वजू जिस तरह से करने हैं अगर तो जिहड़ा वजू असी करने ना नमाज वाला अमैशा दी हदीस दे मुताबिक कि नबी पाक ने वह वजू किया जिहड़ा नमाज नहीं किया जांदा तो सेम वजू तरह वजू करो बस ये यही होंगे ना कि चुल्लू लो अद्धा मूँह अद्धा नक्श कुछ लोग अलग अलग लैन के कायल ने पानी लेकिन ज्यादा बेहतर की है इको ही चुल्लू लैना अद्धा मूँह च अद्धा नक्श और फिर उन्होंने बल्कि छिड़कना भी साढ़े तो छिड़कन छुड़कन भी ना बंदा भी कुछ साफ कर लग गया नबी पाक चले इतने तो मैं चढ़ा के बस इन्ना ही बड़ा है तो वजू कर दें। फिर वजू के अंदर कई कुताइया ने हूँ टापक एवं बच्चे वजू आ गया कुरान वाले मौजू च हाथ लैके ना चुल्लू मलना चाहिए हदीस यही लफज ने चुल्लू लवो और मलिया जाए साढ़े तो मलन का भी रिवाज कौन वो टूटी छड़ के थले अगले इं कर देंगे बस तो मलदे मुलदे तो कौन ना लोग अब मुख्तलिफ तरीके चलते हैं मैं गलत नहीं कह रहा जे गलत कहां तो फिर मैं दस्या जे चलो इस्लाह मेरी भी हो जाए इंज नहीं करते टूटी छड़ के कोई इंज नहीं करते कई इतने पानी रख कोई कर कूर लेंगे दो तीन तरीके ही ना कई मतलब इतने रख को इं कर दे भी अद्धा सुखा रह जाता फिर वो कई बार आदत दसीए ना यानी कुरान तो दूरी की वजह वेख लो सू सारी जिंदगी ये नहीं पता लगा वजू किमें करी सारी जिंदगी तो कई दसो भी भा जी इतों तक सुखा रह गया तो सारी जिंदगी की दीन सीख्या हूँ सुखा रह गया हदीस है अबू दाऊद की अगर ना नौ जिनी जगह सुकी रह जाए तो नबी पाक ने उस बंदे नूं दोबारा वजू करन दा हुक्म फरमाया भी भाई जा दोबारा वजू कर ए नौ जिन्ना सुखा रह गया इतने तो सुकियां लकीरां होंदियां तो उन्होंने आहो भा जी आ सुखा रह गया कोई तो फड़ते मलते हूँ ठीक है तो फिर भी उन्हें एवं नमाज पढ़ देनी। कई बंदे मैं आपकी जिंदगी वेखे आपकी जिंदगी उन्होंने आया चाचा तेरा गिट्टा सुखा है वह थुकला के गिला कर लेंगे उन्हें अज गिला हो गया तुम दसो इस हालत से उसकी नमाज हो गई वो भा जी जिंदा वजू सही नहीं उसकी नमाज पिछी फिर मसे का भी तरीका है ना अगे लैके जाना पिछे लैके जाना मसा भी ठीक तरीके होना चाहिए फिर नबी पान फिर मैं चुल्लू तीन पाओ सज्जे पासो तो सुन्नत के मुताबिक वजू हो जाता पूरे जिसम से पानी बहाना तो मतलब है कि इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुसल का तरीका तो एडा मुश्किल नहीं लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबू दाऊद की हदीस है कि नबी पाक पैर एंड से धोते
ਅਲੱਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਿੱਟੀ ਛਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਪੱਕੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਰ ਵੁਜ਼ੂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਵੀ ਵੁਜ਼ੂ ਅਖੇ ਵਿੱਚ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਨਬੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗੁਸਲਖਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੁਸਲਖਾਨੇ 'ਚ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੁਜ਼ੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਬਣ ਸੂਬਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮਗਾਹ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੁਜ਼ੂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੜ ਜਾਓ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਾਹਰ ਪੜ ਜਾਓ ਵਜ਼ੂ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੜੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤਬੀਬੇ ਕਿਬਰੀਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਅਗਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮਸਜਿਦੇ ਕੁਬਾ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਨਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨੀ ਇਜਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਨੀ ਹੈ ਰਿਫਤ ਨੀ ਹੈ ਬੁਲੰਦੀ ਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਮਾਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਦੋ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੜਨੀਆਂ ਹੀ ਪੜਨੀਆਂ ਨੇ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਿਆਪੀ ਨਾਲ ਮੁਕਤਦੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਏ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਪੜਿਆ ਕਰਿਆ ਦਾ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪੜਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁਲ ਹਵੱਲਾ ਮੈਂ ਪੜਨੀ ਬਣਨੀ ਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਚਲੋ ਇੰਜ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸਰ ਰੋਲਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੱਟੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉੱਲੂ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਜੀ ਏਡੇ ਫਤਵੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣੋ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਇਲਮ ਵੀ ਦੇਵੇ ਨਫ਼ਾ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਹਿਮਦ ਛਤਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾ ਉਹ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਾਈਆ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਨ ਕੋ ਅਕਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤਕੱਬਰ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਇੰਝ ਸੇਵੇ ਵਾਲੀ ਕੁਕੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਕਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸਲਾ ਨਾ ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਮਸਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੱਟੇ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਲਮ ਤਾਂ ਇਲਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਕੌਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅਨਕਾਇਤੁਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਅਨ ਸੈਯਦੁਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਵਾ ਇਲਹਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅਨ ਸੈਯਦੁਲ ਬੁਲਦੇ ਆਦਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਨਬੀ ਤੇ ਨਬੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿੰਨੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਖਲੂਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਰੀ ਮੌਲਵੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਲਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਇਲਮ ਤੋ ਭਾਈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਲਮ ਅੱਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤਕੱਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਜ਼ੀ ਹੋਏ ਤੋ ਖੈਰ
इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस परवाने नु बुलाया है, दीवाने नु बुलाया है। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि उलमा दा एहतराम करया करो, अदब करया करो। उन्होंने मौलवी ओ नबी दे सहाबी नाल उन्हां मुक्तदियां दा माड़ा मोटा रौला बणिया तो आंदे सरकार फैसला करो। ते साडे इत्थे हुण मौलवी बेचारे नमाज पढ़ाने लई वी अलर्ट हुंदे ने 24 घंटे, ते ओ घड़ी वेंदे ने, मौलवी सैकंड वी वेंदे पे हुंदे ने वी इन्ने सैकंड रह गए। कई मगरों खरे हो की मर्चा नाल रोटी खा आंदे ने, लगे मौलवी जी टाइम हो गया, मैनू मसले ते करो, टाइम हो गया भी असी तू सानू की पल्लू समझना भी असी उधर सैकड़ भी तो वे ने पै भी आ सैकड़ पूरे होंगे मौलवी जरा खड़े मोड़ो, टाइम हो गया भी कोई बोलने का वल भी सीखो। अदब पहला करीना है मुहब्बत के करीनो, अदब पा जी सीखो। आप तो शाम कोट बैठे जी बहुत अदब वेखना जी दोने लगे जाओ आवाज मारन, ओ मौलवी मैं मौलवी तेरा क्लास वाला तेरा शर्म नहीं आती भी उलमा का भी कोई अदब होना चाहिए ना। तो मतलब बाजी जरा बंदा एहने इलम हो अदब न मिलो। अच्छा ये बड़े स्याणे ने जो जट जुग जिमीदार होते हैं किसी थानेदार के सामने ठल एक क्लास नहीं पढ़िया उन्होंने आके सर जी सर जी सर जी मैं हूं तो तेन इंग्लिश आवन लग पी है उतो तू हलवा ना है मैं तेरी बड़ी सर जी निकलती बस वो पेंट पुंट वेखी खड़ा मैं अल्लाह के बंद वेख आ जन्नत का टिकट मौलवी को सर जी आखद तेरा मूँह सड़द इमामे कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह गल्लां सही कीतियां ने कोई गुस्ताखी हो गई हो तो भाई माफी कर दे अगौर फरमाओ। इमामे कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस परवाने नु बुलाया। इमामे कायनात ने सवाल किया है कि तेरे मुक्तदियां ने ये एलिगेशन तेरे ते लाई है, इतराज किया है नबी पाक जी, इतराज की किया है नबी पाक ने दस मा यहमिलु का अंत कराऊं हाजी सूरा, नबी पाक ने तू एक सूरत क्यों नहीं पढ़ता, तू कुल हुवल्ला क्यों पढ़ना है। आंदा अल्लाह दे नबी जी जे सच्ची गल पुछदे हो, आंदा अल्लाह दे नबी जी फकाला या रसूल अल्लाह इन्नी ओहिबुहा, आंदा नबी पाक जी मैंने सूरत नाल मुहब्बत बनी है, अकीदत बनी है, प्यार बड़ा है। नबी पाक जी इंदे च अल्लाह दी वहदानियत दा तज़किरा है, अलूहियत दा तज़किरा है, यकताई दा तज़किरा है, मैनू कुल हवला चंगी बड़ी लगती है, मेरे रब की तौहीद दे अंदर है, मैनू प्यार ही बड़ा है। ते सरकारे मदीना ने जद जवाब सुने ते सरकार आंदे ने इन्ना हुब्बा मुहब्बत इंजी कैम रही ते एदी मुहब्बत तेनू जन्नत च ले जाए। ते भाजी कुरान छड़ो कुल वल्ला पढ़न जोगे हैगे जे खले लै टुरदा फिरदा कुल वल्ला पढ़ी जावी अल्लाह दा तेनू तां वी जन्नत दे दे, किड्डा सौखा काम। तो भाजी दुआ करो अल्लाह कुरान नाल मुहब्बत नसीब फरमाए। मैं गुनाहगार ने जड़ियाँ दो चार गुजारिशात कीतियाँ अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह मेरी ते तुहाडी दुनिया आखरत बेहतर फरमा दे, और हजरत साहब जड़ियाँ मेहनतां कर रहे ने अल्लाह कबूल फरमाए, और सारे साथियों नूं ज़ौक शौक नाल पढ़न दी अल्लाह तौफीक दे, और हजरत साहब नाल मुआमलत रखन दी तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू नेकी दे कम्मां दे अंदर अगे अगे जाण दी तौफीक दे। तो अज दे प्रोग्राम दे अंदर जिन्ना मेरे भाइयों ने मुआवनत की किसी तरीके हिस्सा पाया अल्लाह उन्होंने सेहत माल जान के अंदर बरकत फरमा दे। तो सारे साथी बीमारा लिए दुआ कर दौ, तो गुनाहगार तो मुड़ापा सारे रल मिल के दुआ करिए अल्लाह सानू भी माफ़ फरमा दे। तो अगली बात ये कि जिन्हों को औलाद नहीं दुआ करो अल्लाह औलाद अता फरमा, और जेडे अपने फौत हो गए ने जिन्हें भी बुजुर्ग दोस्त उन्होंने दुआ कर दौ। अटारी हाजी शेर मुहम्मद साहब उन्होंने बड़ी मेरे मुहब्बत से और बड़ा प्यार से, अल्लाह के नेक बंदे से तज्जद गुजार, वो अल्लाह के वली की दुआ करो अल्लाह उन्होंने हसनात बुलंद फरमाए। मेरा ख्याल है कि मैं मस्जिद च इंटर होंदा था तो अगली साफ च बैठे होंगे हर जुमे टाइम नाल, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्होंने कबर भी नूर नाल मुनव्वर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू भी नेकियां के अंदर अगे जाने की तौफीक दे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी जलाली वजहिक वअज़ीम सुल्तानिक اللهم نسألك الهدى والتقى واللفاف والغنى اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللہ سونے سب بیماروں نو شفا عطا فرما اللہ جنے بھی چھوٹے بڑے بیمار ماواں بھنا بیمار دوست بزرگ بیمار بچے بیمار اللہ صحت ایمان والیاں لمیاں زندگیاں عطا فرما اللہ دنیا تے سارے دعا خانے عرش تے تیرا شفا خانہ مولا تو شفا عطا فرما اللہ جدوں تسی شفا دین تے آو چٹ نہیں لگدا مولا جویں اپنے نبی ایوب علیہ السلام نو چٹ بڑ شفاواں دتیاں سن سانو ساڈے بیماراں نو وی انی شفاواں عطا فرما اللہ سنیا کئی میرے ویر کئی میریاں بہناں زندگیاں ہو گئیاں اولاد دے میوے نو ترس دینے اللہ تنہ دے ترسے میں دور فرما اللہ درینہ خیصہ بوریاں فرما اللہ جنہ نو دیتے نی نیک نمازی حافظ قرآن عالم بڑا اللہ سونے پوری کائنات نالوں ود کے سرکار مدینہ دا سچا پیار نصیب فرما آ سرکار دیاں سچیاں محبتاں نصیب فرما محبت تے پیار دا نام اے سرکار جنی گل دا آرڈر دے دین من لین دی جدے کولوں روک دین رک جان دی توفیق عطا فرما اللہ ساڈے گھر دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرما اللہ پاک تے حلال تے طیب روزیاں عطا فرما اللہ مقروضاں دے قرض دور فرما اللہ پریشان ویراں دیاں پریشانیاں آسان فرما اللہ کو میری ماں بہن پریشان اے ٹینشناں دور فرما اللہ سب میرے ویراں نوں سب میرے دوستاں نوں بزرگاں نوں ماواں بہناں نوں قرآن دیاں تلاوتاں نصیب فرما اللہ قرآن نال محبت نصیب فرما اور قرآن نو پڑھن پڑھان والا ذہن تے سوچ نصیب فرما اللہ آدم دے بیٹے ہی پل جاندے ہی اللہ بڑے گناہگار اللہ بڑے سیاکار اللہ بڑے خطاکار اللہ مولا جی سچی پوچھے نا ساڈے پلے تے ککھ وی نہیں ہے تیری رحمت دا سمندر ٹھٹھا مار دے مولا راضی ہو جا میرے مولا تو راضی ہو جا اللہ اپنے گناہگاراں تے راضی ہو جا اسی تے اطراف گناہ تے اکمال جرم پہ کرنے آں میرے مولا تو راضی ہو جا تیری رحمت دا بیرے بے کرائے اللہ راضی ہو جا اللہ سنیا جڑے ساڈے دوست فوت ہو گئے نے احباب فوت ہو گئے نے عزیز و اقارب فوت ہو گئے نے ماں باپ جیسیاں پیاریاں ہستیاں جدا ہو گئیاں نے تیرے مہمان بن گئے نے اللہ سنیا جنہاں تو بغیر جیندے نہیں سا اللہ جنہاں تو بغیر رہندے نہیں سا اللہ جنہاں ہستیاں تو بغیر دل نہیں سی لگدا تیرے مہمان بن گئے نے اللہ انہاں بزرگاں دیاں قبراں نوں رل ملور فرما اللہ انہاں نوں اعلی علیین دے اندر مقام عطا فرما اللہ انہاں دے حسنات بلند فرما اللہ درجات بلند فرما اللہ جویں انہاں نے تیری دنیا چھڈی اے آخر ایک دن دن تے ساڈے تے وی آونا ہی آونا اے آخر ایک دن دنیا تو جانا ہی جانا اے اللہ تیرے کول آئیے ازمائش نہ کری
बड़े कमजोर तेरे बंदे, बड़े माड़े तेरे बंदे, असी ते दुनिया दी तोप नहीं सहिंदे, अग दा सेका नहीं सहिंदे। अल्लाह जहन्नम ते 70 गुना गर्म है, ओदे कोल महफूज फरमा लेना। अल्लाह अपने कमजोर ते माड़िया बंदिया नू ओदा सेका वी ना लगन देवी। रब्बा नो त्रिफाना अज़ाब जहन्नम, अल्लाह अपने बंदिया नू दी तत्ती हवा वी ना लगन देवी। अल्लाह तुसी आप आंदे हो, मेरा बंदा एक हिंजू भी सटे, जिंदगी दे बाप ते गुनाह माफ कर देंदे हो। अल्लाह सानू ते रोण दे वाली नहीं आउंदे वल सिखा मौला। अल्लाह सी ते रोण वर्गियां शकलां भी नहीं बनाण जोगे, बिन रोया राधी हो जा। अल्लाह बिन रोया राधी हो जा, अल्लाह अपने बंदियां ते बिन रोया राधी हो जा। आखर तेरे महबूब दे गुलाम ने, सरकार दे चान वाले ने, अल्लाह अपने महबूब दे गुलामा दे चुके आ तो खाली मोनी ना। कुछ मांगदे ने दे दे मौला, तेनू मनावणाए बैठे आ मन जा मेरे मौला। तेरे गुनागार तेरे नाल सुला करणाए बैठे ने फरमा मौला। साडे जन कमियां ते गुनागारां दा वी नेकां दी सब च नाम लिख ले मौला। साडे जन कमियां नू वी अपने लवलियां ते नेकां च सालहीन च शामिल कर ले मौला। अल्लाह साडी अखीर ते खात्मा वी चंगा फरमा मौला। जदों दुनिया ते आखरी सावां होवण, मलकल मौत सराणे आया होवे, बीवी ते बच्चियां कोलों जुदाइयां पैण लगण, रिश्तेदारियां बरादरियां छुट्टन लगन, ए दुनिया दियां रंगीनियां ते मौजां मुकन लगन। अल्लाह जदों आखरी सावां होवण, मलकल मौत रब्बा सोणिया, मलकल मौत सिराणे आ बवे, रूह कबज करे जबान ते कलमा जारी फरमा देना। अल्लाह जिवें तेरे ऐस कर कट्ठे आ, जन्नत च वी इकट्ठियां फरमा देना। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين।